Dear students, today I am going to teach about characteristics and evolutions of computer. ये chapter 1 है आपका. इसमें characteristics में हम लोग जानेंगे कि computer का क्या खासियत है, क्या विशेषता है, किस लिए computer आज के date में ज़्यादा उपयोगी है, और evolution of computer, computer का विकास किस प्रकार हुआ, पहले कौन सा computer आया, पहले कौन सा कैलकुलेटिंग डिवाइस आया, जिसके बाद कंप्यूटर का उसका जनरेशन जानेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में समथिंग जानेंगे. तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में ईयरली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसका नाम था एबकस. तो द एबकस वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. इट हैज़ ए वुडन फ्रेम विथ बीड्स स्लाइडिंग ऑन वायर्स. एबकस जो है ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि वो लकड़ी के फ्रेम में उसमें बीड्स लगे होते थे और जो वायर पे स्लाइड करता रहता था बीड्स लगे होते थे. और ये जो है इट वॉज यूज फॉर परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन. और इसका उपयोग किया जाता था सिंपल कैलकुलेशन के लिए, जैसे जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणनफल के लिए, और डिवीजन भाग लगाने के लिए. ये चार इसका यूज था. इट इज स्टिल इन यूज टुडे इन मेनी कंट्री, स्पेशली इन कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज थे, देशेस थे, उसमें ये ज़्यादातर यूज होता था एबकस. इसके बाद ये एबकस है आपका. इसके बाद आता है नेपियर बोन्स. ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था. इसका जो शुरुआत हुआ इन 1616, सर जॉन नेपियर मेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड कॉल इट नेपियर बोन्स. सर जॉन नेपियर ने 1616 ईस्वी में नेपियर बोन नाम का एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया. और ये द डिवाइस वॉज कॉल्ड नेपियर बोन बिकॉज इट हैड नंबर्स कर्व ऑन बोन्स ऑन स्ट्रिप्स ऑफ वुड. ये इसमें जो वुड्स लगे हुए थे और उसमें इस तरह से बना हुआ था जो कि नंबर्स लगा हुआ था कर्व वाइज, आप देख रहे हैं इसमें. तो इसलिए इसका नाम रख पड़ा नेपियर बोन, क्योंकि नेपियर्स सर जॉन नेपियर ने ही इसको बनाया. और नेपियर बोन जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था इसका यूज था. इट वाज यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स. हम पिछले एबकस में जाने कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता कर सकते थे. और इसमें एक चीज़ बढ़ करके हुआ कि इसमें स्क्वायर रूट भी निकाल सकते थे, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, नंबर के स्क्वायर रूट को भी हम निकाल सकते थे. ये इसका नेपियर बोन का एक सरप्लस था. इसके बाद आया कैलकुलेटिंग डिवाइस में पास्कल लाइन. इन 1641 ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड द पास्कल लाइन, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर. ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किए 1641 ईस्वी में. इसका कैसा शेप था, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह से, इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप था इसका. और इसमें मूवेबल व्हील लगे हुए थे, ये मूवेबल व्हील था. इट वॉज यूज फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग नंबर्स अप टू द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. हंड्रेड एंड थाउजेंड्स के अप टू नंबर्स में ये मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग का काम इसमें होता था. इसके बाद आया डिफरेंस इंजन. इन द 19th सेंचुरी चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड द डिफरेंस इंजन टू प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल्स. मैथमेटिकल टेबल्स के कैलकुलेशन प्रिपरेशन के लिए डिफरेंस इंजन बनाया गया जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन. ये सिर्फ मैथमेटिकल टेबल्स का यूज के लिए इसको बनाया गया. इसके बाद डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन. चार्ल्स बेबेज ऑल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर नोन एज द एनालिटिकल इंजन, विच हैड द सेम बेसिक एलिमेंट्स एज द मॉडर्न कंप्यूटर, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस. चार्ल्स बेबेज जो है इसके बाद एनालिटिकल इंजन का इन्वेंट किए जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर से इसके सारे
जो सिस्टम्स थे मैच करते थे, इसीलिए इस इन्हें हम फादर्स ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। क्योंकि आज के कंप्यूटर में जैसे इनपुट डिवाइसेस होता है, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, इसी प्रकार से एनालिटिक इंजन में ये सारे क्वालिटीज़ मौजूद थे, सारे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे, सारे डिवाइसेस उस तरह के मौजूद थे। तो क्योंकि वो एनालिटिकल इंजन में चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंटेड था, और इसलिए आज के कंप्यूटर को हम के फादर कंप्यूटर ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। ड्यू टू हिज पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू कंप्यूटिंग, चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसीलिए एनालिटिकल इंजन का इन्वेंट करने के लिए ही चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, और यहीं से कंप्यूटर का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, एंड फिर हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स ये भी पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने आज के क्लास में जाना एबाकस कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में, नेपियर्स मोड के बारे में, पास्कल लाइन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। अब हम का होमवर्क जो है, आज का होमवर्क है हार्ड वर्ड राइट एंड लर्न। जैसे इसमें 10 हार्ड वर्ड दिया हुआ है, इसको दो दो बार और लिखना है, एक बार लिखने के बाद दो बार लिखना है, और इसको राइट एंड लर्न, राइट भी करना है लर्न भी करना है, ये इसको आप समझ लीजिए। इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कैलकुलेटर, मैकेनिकल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक। थैंक यू।